हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेनली सेकंड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, एंड इसमें मैं आपके साथ कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको हर जो यूनिट के दो दो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, बट बहुत बच्चों ने बोला कि और क्वेश्चन डिस्कस कर लो, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। एंड मैं आपको इसलिए बहुत लेट भी प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज मुझे ज्यादा अभी टाइम नहीं था, इसलिए सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एंड थोड़ा सा मैं तेज बोलने वाली हूँ, तो अगर किसी को लगे कि मैं ज्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड को जो है वो कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज वी हैव इज द यूनिट वन, दैट इज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसमें फर्स्ट इज द व्हाट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको यूनिट वन में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, लाइक फर्स्ट पार्ट में, सो जो भी मैं पार्ट वन में डिस्कस कर चुकी हूँ वो क्वेश्चन मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैव इज व्हाई इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, दैट वॉज कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। तो इसका आंसर है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ताकि हम सिटीजन्स की हेल्प कर सके टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, कि उनको जो सारे मतलब चीज़ें पता हो लॉज वगैरह के बारे में, वो एक पॉलिटिकल लीडर्स की लाइक अकाउंटेबिलिटी को होल्ड कर सके एंड प्रमोट कर सके पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सो कुछ एग्जांपल्स है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के, दैट इज पॉलिटिकल स्पीचेस, इलेक्शन कैंपेन्स, मीडिया कवरेज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स एंड पब्लिक ओपिनियन पोल्स। नेक्स्ट है हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सो मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो मीडिया जो है वो अपने शेयर करते हैं पब्लिक ओपिनियन, मतलब अपने भी ओपिनियन शेयर करते हैं, पब्लिक के भी ओपिनियन शेयर करते हैं, सेट करते हैं एक पॉलिटिकल एजेंडा और फ्रेम करते हैं इशूज इन अ पर्टिकुलर वे। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ हैज द इंटरनेट चेंज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को जो है इंटरनेट ने कैसे चेंज कर दिया है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, बट मैं आपको दोबारा बताऊंगी, डैट इज कि इंटरनेट जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है, और इससे जो वो एक सिटीजन को राइट देता है कि वो एक वाइडर रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके एंड अलाउइंग फॉर अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन अ पॉलिटिकल प्रोसेस थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन एक्टिविज्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द आई थिंक यूनिट टू, दैट इज एक्सप्लोरिंग एंड लीडरशिप। सो एक्सप्लोरिंग एंड लीडरशिप में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लीडरशिप। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था इन द प्रीवियस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। सो कुछ इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, लाइक सम कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है एक इफेक्टिव लीडरशिप की। तो वो होती है लाइक टिपिकली विजनरी, मतलब उसको विजनरी होना चाहिए, एक ओवरऑल विजन करना चाहिए, एक इफेक्टिव लीडर का यही काम होता है। डिसाइसिव होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, अडैप्टेबल होना चाहिए, एक डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर को अडैप्ट कर सके एंड एबल टू इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अदर्स। सो पॉलिटिकल लीडर्स में लाइक जो इफेक्टिव लीडर है उसके पास ये होना तो जरूरी है कि वो ट्रस्ट लोगों का बिल्ड कर सके, तभी लोग उसे जो है वोट देंगे। नेक्स्ट इज हाउ डज लीडरशिप डिफर फ्रॉम मैनेजमेंट। सो लीडरशिप जो है वो डिफरेंट कैसे होती है एक मैनेजमेंट से। सो लीडरशिप ये जो है फोकस्ड होती है ऑन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टुवर्ड्स अ शेयर्ड विजन, और वाइल जो मैनेजमेंट होती है फोकस्ड होती है ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्या क्या लीडर्स जो है वो लर्न कर सकते हैं और इज इट नेचुरल टैलेंट। सो लीडरशिप जो है क्या हम लर्न करते हैं या फिर एक नेचुरल टैलेंट है। सो लीडरशिप जो है ये लर्न कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस एंड नॉलेज, मतलब जो लोगों की नॉलेज को देख के, लोगों को समझ के जो है ये भी लाइक लर्न कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ इंडिविजुअल्स जो है उनके पास ये नेचुरल एबिलिटी भी होती है और ये ट्रेट भी होता है ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, कई लोगों के पास होता है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स। सो कुछ लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में आपको बताना है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, सर्वेंट, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिट थ्री पे, दैट इज एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ओरिएंटेशन एंड एक्शन। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें इंडिविजुअल्स जो है एक्वायर करते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को एंड बिलीफ्स को। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ डू पॉलिटिकल लीडर्स यूज रिटोरिक टू शेप लाइक रिटोरिक टू शेप पब्लिक ओपिनियन। सो पॉलिटिकल लीडर्स जो वो क्या यूज करते हैं लाइक टू वो शेप कर सके पब्लिक ओपिनियन को, तो वो अपील करते हैं थ्रू इमोशंस एंड वो क्रिएट करते हैं एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लाइक वो कि मतलब हाँ तुम्हारे को हमारे कोई वोट करना है हर हालत में, और इंपॉर्टेंस अराउंड द पर्टिकुलर इशू। नेक्स्ट यू हैव हाउ डू इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल प्रोसेस। सो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इसमें जो मेनली है डैट इज जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस को बाय लॉबिंग पॉलिटिशियंस, मोबिलाइजिंग वोटर्स एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक इशू। नेक्स्ट यू हैव इज हाउ कैन लीडर्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद डाइवर्स ऑडियंस। सो जो लीडर्स है वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द डाइवर्स ऑडियंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। सो वो यूज कर सकते हैं इंक्लूसिव लैंग्वेजेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी यूज कर सकते हैं, लाइक मोदी जी करते हैं, गुजरात में जाते हैं वो गुजराती बोलते हैं,
इंग्लिश में कई बार बोलते हैं, कई बार हिंदी में बोलते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की यूज़ करते हैं। कई बार वो बंगाल में जाके बंगाली भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि वो नॉर्मल ऑडियंस से बातचीत कर सके, और एक लोकल ऑडियंस से वो अंडरस्टैंड करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस को एंड अडेप्ट करते हैं अपना लाइक देयर कम्युनिकेशन स्टाइल टू द ऑडियंस। नेक्स्ट यू हैव इज हाउ कैन लीडर बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो लीडर्स जो है वो अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो वो है मेनली बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स एंड कंसर्न्स। नेक्स्ट में आ गए हम, दैट इज यूनिट 4। सो यूनिट 4 इज एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लीडरशिप रिसर्च इशूज एंड चैलेंजेस। सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर सम रिसर्च चैलेंजेस व्हेन स्टडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं इसमें हम आपको बताना है। सो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पहले, बट यहाँ मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। तो कुछ जो चैलेंजेस होते हैं, दैट इज डीलिंग विद द सब्जेक्टिव परस्पेक्शंस और इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स डाटा एंड पोटेंशियल फॉर बायस इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजीज प्ले इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सो मतलब एक लाइक हम कह सकते हैं मीडिया क्या परफॉर्म करती है। सो जो हमने कल जो एक क्वेश्चन पढ़ा था, दैट इज वॉज व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल कम्युनिकेटर्स इन द डिजिटल एज, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो में पार्ट 1 में जरूर देख लेना। ऑल्सो पार्ट 1 का लिंक आई विल ट्राई कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। सो हियर वी हैव सेड कि मीडिया टेक्नोलॉजीज है वो कैसे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन लीडरशिप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज वो इन्फ्लुएंस करती है। लाइक फर्स्टली उनका एक ग्रेट एक्सपेंडेड होता है द रीच, उनकी एक्सपेंडेड होती रीच एंड वो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप को बाय अलाउइंग फॉर इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन एंड मास डिसमिनेशन या मास डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की। मतलब उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, एट द सेम टाइम उनके पास जो एक लार्जर ऑडियंस होती है जिसको जो वो सारी नॉलेज अपनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज हाउ कैन पॉलिटिकल लीडर्स इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद डाइवर्स पॉपुलेशन। सो वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, बाय यूजिंग इंक्लूसिव लैंग्वेज एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस, यूटिलाइजिंग मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स ताकि वो रीच कर सके वाइडर ऑडियंस की तरफ। नेक्स्ट वी हैव इज What ethical considerations should be taken into account when conducting research on political communication and leadership? So, कौन कौन से हमारे को जो है consider करने चाहिए account, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमारे को consider करनी चाहिए जब हम conduct करें research on political communication and leadership? So, that is कि ethical considerations जो है when conducting research on political communication and leadership include protecting the privacy and confidentiality of research participants, avoiding harm and exploitation, and maintaining objectivity and integrity in data collection and analysis. Next we have is how can research on political communication and leadership can be used to improve political party practices and policies. So isko je kaise like improve kar sakte hain political practices and policies ko. So research jo hai wo political communication ki, that research on political communication and leadership, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को और इन्फॉर्म कर सके पॉलिसी डिसीजंस को एंड अल्टीमेटली इम्प्रूव कर सके डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को। नेक्स्ट यू हैव इज द यूनिट 5 एंड दैट इज द लास्ट यूनिट, एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एम्पिरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस। सो विद दिस वी आर कमिंग टू द लास्ट फाइनल यूनिट, दैट इज यूनिट 5। सो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप। सो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो कैसे जो इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप को जो एनहेंस करती है। सो दैट इज कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप में बाय बिल्डिंग ट्रस्ट, मोबिलाइजिंग सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड बिहेवियर। नेक्स्ट यू हैव इज कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, लाइक व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल लीडर्स, लाइक डिड पॉलिटिकल लीडर्स फेस व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द पब्लिक। सो दैट इज एक तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात करना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे बात करना बहुत मुश्किल होता है, ओवरकम करना मीडिया बायस में एंड मैनेज करना पब्लिक एक्सपेक्टेशन को। नेक्स्ट यू हैव इज कि हाउ जो है लीडर्स यूज करते हैं स्टोरी टेलिंग को कि वो कनेक्ट कर सके विद देयर ऑडियंस। सो जो लाइक लीडर्स हैं वो मेनली यूज करते हैं स्टोरी टेलिंग ताकि जो है वो एक पर्सनल एंड इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर पाए, ऑल्सो वो एक कॉम्प्लेक्स इशूज को जो है मोर रिलेटेबल फॉर्म में जो है प्रोड्यूस कर पाए और अपनी नॉलेज दे सके एंड कम्युनिकेट कर सके देयर वैल्यूज एंड विजन। नेक्स्ट यू हैव इज हाउ डज कल्चरल डिफरेंसेस इम्पैक्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। सो कल्चरल डिफरेंसेज जो है वो इम्पैक्ट करते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप को बाय इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज, वैल्यूज एंड बिलीफ एंड अफेक्ट करते हैं परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल मैसेजेस। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट आर सम ऑफ लाइक व्हाट आर सम प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर पॉलिटिकल लीडर्स
when it comes to communication and leadership. So, कौन कौन से ऐसे professional like leadership implications होते हैं for political leaders कि वो कम कर like वो overcome करते हैं, face करते हैं to communication and leadership. So, कुछ professional implications होते हैं political leaders को when it comes to communication and leadership, जो कि include करता है ongoing training and development के बारे में, उनको knowledge रखना facts के बारे में, maintaining transparency and accountability, adapt करना changing media को and technological landscapes को. With this, I will end this video here only. All the best for your exams. Video को अच्छे से देख लेना, exam से पहले पहले कम से कम 2-3 बार part 1 and part 2 दोनों को देख लेना. So stay safe, stay positive. Thanks for watching. Bye bye.